नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ख़ास वीडियो है, क्योंकि आज हम बहुत सारे काम अपने गार्डन में करेंगे। और हमारा जो किचन गार्डन है, ये इसमें काफ़ी सारे काम स्प्रिंग सीजन में करने होते हैं। जो ये महीना चल रहा है हमारा मार्च का, इस और फरवरी से लेके मार्च तक बहुत सारे काम करने हैं। और ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी हमारी अब पकने लगी है थोड़ी सी, तो बहुत सारे काम हमने करने हैं हम अपने गार्डन में। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या हम काम करेंगे आज, और इस पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। और जितने भी स्प्रिंग सीजन के काम हैं वो एक एक करके हमने करने हैं, क्योंकि आगे फिर समय इतना नहीं रहेगा तो गर्मी ज़्यादा होने लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आपने चैनल को अभी वीडियो देखा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और ये देखिए, मेरा सेंचिया का प्लांट है, और ये सेंजिया का प्लांट है, और इसके जो लीव्स होते हैं ना, वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने लास्ट ईयर इसकी प्रूनिंग की थी, और अभी भी मैं इसकी प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको अच्छे से बूसी बनाने के लिए इसकी जो प्रूनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो अभी लीव्स आप देख रहे होंगे, येलो येलो से दिख रहे हैं, ये इसमें जो रूट है वो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गई है, इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। तो इसकी मैं अभी हार्ड प्रूनिंग करके, उसके बाद जो इसकी मिट्टी है वो बाहर निकाल के, इसमें इसकी जो रूट्स हैं उनको ठीक करके, उनके थोड़ा सा प्रून करके, और फिर दोबारा से नई मिट्टी डालेंगे, खाद डालेंगे, तो इसमें नई ग्रोथ निकल के आएगी। और इसके बाद जो इसका रंग आएगा निकल के, तो एक आध महीने बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा इसकी अपडेट। इसकी जो लीव्स होती है ना, उसका कलर बहुत अच्छा लगता है और बड़ी प्यारी लगती हैं इसकी लीव्स। तो इस तरह से पहले हमने अपना जो मिट्टी है गमले की, उसको थोड़ा सा ढीला कर लेना है, और मिट्टी की ये देखिए, ये रूट्स इसकी कितनी बड़ी बड़ी निकल गई हैं। तो मिट्टी को ढीला कर लेंगे, और मिट्टी ढीला करके फिर हम जो है पहले इसको ढीला कर लेते हैं पूरा, ताकि ये अच्छे से बाहर निकल आए। और इसी तरह से हमने इसको बाहर निकालना है, ये देखिए, इस तरह से पूरा पेड़ हमारा बाहर निकल आएगा। मिट्टी आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया है, बस रूट्स इसकी थोड़ी सी ज़्यादा फैल गई हैं, देखिए रूट्स हेल्दी हैं काफ़ी, थोड़ी ज़्यादा फैलने की वजह से रूट बाउंड हो जाता है, तो उस वजह से ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, और जो पत्तियों के जो कलर हैं वो बहुत अच्छे निखर के नहीं आते। तो ये सारी इसकी रूट्स हैं, और काफ़ी अच्छी रूट्स हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, मैंने आपको बताया अभी। तो ये देखिए, ये इसकी, यहाँ से मैंने लास्ट ईयर एक रूट्स इसकी बड़े वाली निकाल दी थी, और इस बार जो हल्की हल्की से हम इसकी रूट्स जो ज़्यादा फैल रही हैं, या कोई रूट्स इसकी ख़राब भी हो रही है, उसको हम कट कर देंगे, अलग निकाल देंगे। देखिए, जब भी हम कोई पौधा निकालते हैं, उसकी रूट्स निकालते हैं, तो जो ज़्यादा बड़ी रूट्स होती है उसको अलग कर देते हैं, या फिर कोई रूट्स ख़राब हो जाती है उसको भी अलग करना पड़ता है। तो इस वजह से हम बाहर निकाल के फिर दोबारा से इसको लगाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब अभी नौरस का महीना है, जब हम इसको लगा देंगे, उसके बाद इसमें अच्छी सी खाद डालेंगे, पानी देंगे, तो इसके बाद इसकी जो ग्रोथ निकल के आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। और ये यहाँ से थोड़ा सा इसमें इसकी जो रूट्स है वो थोड़ी सी कह देंगे कि गल गई है हल्की सी, तो इसमें क्या है, यहाँ हमने फंगस का जो पाउडर है वो लगाना है। और आइए, जो अपनी मिट्टी है वो हमने निकाल ली है बाहर, और मिट्टी निकाल के इसमें थोड़ा सा हमने इसको अच्छी तरह से जड़े जो हैं वो बाहर निकाल लेनी है, और जड़े बाहर निकाल के फिर इसमें हमने खाद वगैरह मिलाना है, फंगस का पाउडर मिलाना है। ऐसे दूसरे वाला जो पौधा है उसको भी निकाल लेते हैं बाहर, ये भी हमने निकाल लिया है। और इसकी रूट्स देखिए बहुत ज़्यादा बाउंड है, किस तरह से फंसी हुई है पूरी, तो इस तरह फंस जाती हैं जब रूटें, तो
ग्रोथ इनकी नहीं हो पाती, और इसी वजह से जो मैं कलर आपको दिखा रहा था अभी, कलर्स वो है वो फेड हो गया था पत्तियों का, ये पता लग जाता है पत्तियों से ही कि पौधे को जो अंदर रूट्स हैं उनकी वो किस तरह से बाउंड हो गई है। तो इस तरह से हमने हल्का करके इसकी जो रूट्स हैं उनको निकाल लेना है ताकि रूट्स डैमेज भी ना हो, क्योंकि रूट डैमेज हो जाएंगे तो फिर अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ नहीं होएगी। तो स्प्रिंग सीजन में ही सारे काम हमने करने हैं, हमारे पास जितने भी इस तरह के पौधे होते हैं जिनकी हमें लगता है कि हर साल हमने रिपोर्ट करना चाहिए, तो उनको रिपोर्ट भी करते हैं, और उनको फिर रिपोर्ट करने के बाद उनकी ग्रोथ पूरे साल भर बनी रहती है और पूरे साल भर के लिए छुट्टी हो जाती है, क्योंकि इसी महीने में हम उनको खाद पानी अच्छी तरह से डाल देते हैं पूरा। तो आइए मिलाते हैं इसमें खाद वगैरह। ये देखिए ये पुरानी गोबर की खाद है, इसको हम मिला लेते हैं। और एक चीज़ का ध्यान हमने ज़रूर रखना है, जब हम दोबारा जो अपना गमला है उसको लगाएंगे तो नीचे हॉल में हमने एक छोटी सी कुछ ईंट पत्थर का कुछ टुकड़ा ज़रूर रख देना है ताकि जो ड्रेनेज है वो अच्छा रहे। और ये फंगिसाइड पाउडर मैं बात कर रहा था तो वो मैं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि फंगस लगाने से ये जो इसमें रूट थोड़ी सी डैमेज हो गई है ठीक हो जाएगी और आगे इसमें जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से मैं इसको हर साल करता हूँ तो मुझे मतलब ऐसा कुछ ख़राबी इसमें नज़र नहीं आती कि बचा रहता है हमारा पौधा और अच्छी ग्रोथ भी रहती है। तो ये देखिए अब हम अपनी मिट्टी जो है वो गमले में डाल देंगे और पौधे को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, एक दो बार पटक भी देंगे गमले को ताकि जो गैप है मिट्टी में वो ना रहे और अच्छी तरह से हम उसको भर पाएँ। तो अब हमने ये जो काम थे वो कर लिए हैं और काफ़ी सारे काम हमने किए हैं आज, और भी बहुत सारे पौधे करेंगे। तो ये करने के बाद हमने पानी ज़रूर देना होता है, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वाटरिंग अच्छी तरह से कर दें ताकि जो एयर हैं एयर पॉकेट हैं मिट्टी में वो ना रहें और अच्छे से सेट हो जाए मिट्टी गमले में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।